सेकेंड टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल लेसन फोर क्लास नाइन साइंस। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने थॉमसन मॉडल के बाद में एक एक्सपेरिमेंट किया एटम के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए, और उसने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की स्ट्राइक करवाई। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, गोल्ड फॉइल यानी कि सोने की एक पतली पन्नी, गोल्ड फॉइल सोने की बिल्कुल पतली पन्नी, उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल की जो क्या करी स्ट्राइक करवाई, बम्बार्डमेंट यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल इसके ऊपर क्या करवाई टकरवाई। वो पार्टिकल के नाम क्या थे, अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर टकराए। थॉमसन के मॉडल के अनुसार क्या होना चाहिए था कि जो इसके जिस एटम से मिलकर बनी है वो एटम क्या होने चाहिए थे, इस तरीके से जिसमें एक लाल भाग की तरह बिल्कुल बड़ा भाग होगा, बीच में कहीं कहीं भी क्या होने चाहिए थे नेगेटिव, अगर उनसे मिलकर ये बनी होती उस तरीके से। तो उसने अनुमान लगाया था, रदरफोर्ड ने अज्यूम किया था कि छोटे छोटे पार्टिकल इनसे टकरा करके वापस आ जाएंगे, सारे के सारे पार्टिकल जितने भी टकराएंगे इस कॉइल से तो उन एटम से टकरा करके ये क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ये शो हुआ कि जितने भी पार्टिकल इसने क्या किए थे, बम्बार्डमेंट यानी कि स्ट्राइक करवाए थे, उसके 99% पार्टिकल तो क्या हो गए, सीधे बाहर निकल गए, वापस नहीं आए। कुछ पार्टिकल क्या हो गए थे, वो स्ट्राइक होने के बाद में किसी दूसरे डायरेक्शन में चले गए, और बिल्कुल कम पार्टिकल तो क्या हुए थे, उसी डायरेक्शन में वापस आ गए थे जिस डायरेक्शन में इसने स्ट्राइक करवाए थे, और बिल्कुल ही लेस यानी कि 12,000 में से एक, 12,000 12,000 में से एक ही पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल सेम टू सेम उसी डायरेक्शन में आ गया जिस डायरेक्शन में ये स्ट्राइक किया था। इस एक्सपेरिमेंट से उसने दोबारा सोचा एटम के मॉडल के बारे में, और बहुत सारे रिजल्ट दिए उसने सोच करके इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के हिसाब से, जो कि इस प्रकार है। अभी जो रदरफोर्ड मॉडल जो था उसने दिया, उससे पहले जो उसने एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने जो ऑब्जर्वेशन दी वो किस प्रकार से थी, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, जिन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल, वो मूव स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जो उसने फॉइल ली थी, पतली पन्ने ली थी गोल्ड की, उससे लगभग सारे तो क्या हो चुके थे, पार निकल गए थे। कौन पार निकल गए थे, अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज थे, यानी कि इससे ये बात बता दी। दूसरी बात क्या थी, सम पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जो इधर उधर हो गए थे यानी कि डिफ्लेक्ट हो गए थे, लेकिन वो थे बहुत ही कम क्वांटिटी में। सम वन आउट ऑफ 12,000 बाउंस बैक इन सेम डायरेक्शन, 12,000 में से एक ही ऐसा था जो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में वापिस आ गया जिस डायरेक्शन में वो गया था। और ये थी मेन ऑब्जर्वेशन उस एक्सपेरिमेंट से। इन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसने कुछ क्या दिए कंक्लूजन, अपने कुछ परिणाम बताए और अपनी मॉडल के बारे में बताया कि एटम कैसा हो सकता है। इनके आधार पर उसने बताया कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, क्योंकि लगभग सारे के सारे पार्टिकल आगे चले गए, इसीलिए चले गए क्योंकि एटम के अंदर का लगभग सारा भाग क्या था, खाली था, इसीलिए क्या चले गए, वो आगे चले गए। आप ऐसा उदाहरण में मान सकते हो कि मान लिया एक दीवार है, दीवार पे आप बॉल फेंक के मार रहे हो, अगर दीवार पूरी की पूरी ठीक है तो बॉल वापस आएगी, अगर दीवार में बहुत बड़े बड़े छेद हैं तो बॉल वापस नहीं आएगी, पार निकल जाएगी, सिर्फ उस जगह पर लग जाए जहाँ पर दीवार सॉलिड है उसी जगह पर लगेगी तो ही वापस आएगी बॉल, नहीं तो लगभग सारी की सारी बॉल क्या हो जाएगी, पार। इसी का सोच एक का आधार बना करके इसने भी बताया कि जो एटम होगा उसके अंदर लगभग सारा का सारा स्पेस क्या है, खाली है, मोस्ट ऑफ स्पेस एम्प्टी है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, कुछ जो थे वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गए या वापस आ गए। इसका मतलब क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव को
पॉजिटिव से अगर उसके पास से गुजरा होगा तो उसने उसको क्या कर दिया होगा, किसी दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया होगा, क्योंकि तो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर के पॉजिटिव चार्ज से क्या हो गया, रिपेल हो गया, दूर हो गया, यानी कि एटम ऑक्यूपाई वाली लिटिल स्पेस, जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो बहुत ही थोड़ी जगह में है, ज़्यादा जगह में नहीं है। जबकि थॉमसन मॉडल ने ये बताया था कि जैसे कि लाल बाग है तरबूज के अंदर, सारा बाग लाल ही होता है, तो उसने जो बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में बिखरा पड़ा है। जबकि रदरफोर्ड के मॉडल से ये पता चला कि वो सारे के अंदर बिखरा हुआ नहीं है पॉजिटिव चार्ज, बल्कि थोड़ी सी जगह में है, बिल्कुल थोड़ी जगह, बाकी सारा भाग तो क्या है, बिल्कुल खाली पड़ा है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल थोड़ी सी जगह में है। ये था सेकंड। अब थर्ड बात उसने क्या बताई कि वन आउट ऑफ 12,000 रिफ्लेक्टेड बैक, तो उसने ये बात बताई कि क्योंकि 12,000 में सिर्फ एक ही पार्टिकल वापस आया, क्योंकि उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा भार था। ये भी भारी पार्टिकल होते हैं, भारी पार्टिकल टकराने के बाद वापस तभी आ सकता है जब बहुत ज़्यादा मास वहां पर हो। इसका मतलब कि जो ऑल मास ऑफ एटम है वो इन वेरी स्मॉल स्पेस, लगभग सारा का सारा मास, पॉजिटिव चार्ज भी बिल्कुल थोड़ी जगह में है, और सारा का सारा भार भी एटम का जो है वो सिर्फ थोड़ी सी जगह में ही है, बाकी सारा भाग क्या पड़ा है, खाली, और उसमें कोई भार भी नहीं है। ये था रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड के मॉडल की मेन फीचर्स क्या क्या थे, पहले बात उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो उसके सेंटर में होता है, किसी एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ उसके सेंटर में होता है, उस सेंटर का उसने पहली बार नाम दिया न्यूक्लियस, सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज है उस पार्ट का नाम दिया उसने न्यूक्लियस। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, कौन से चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, नेगेटिव चार्ज एक जगह नहीं है बल्कि क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, किस पाथ में, एक सर्कुलर वृत्ताकार रास्ते में घूमते रहते हैं, एक जगह पर नहीं है। ये बात किसने बताई, रदरफोर्ड के मॉडल ने। तीसरी, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एटम, एटम के कंपेरिजन में देखें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी जगह में होता है। कितने छोटी जगह में, आप एग्जांपल से समझें कि मान लें एक क्रिकेट का ग्राउंड है, उसमें चारों तरफ की बाउंड्री है और बीच में एक क्रिकेट की बॉल रख दें, तो इतना ज़्यादा स्पेस खाली है और ये बिल्कुल थोड़ी जगह में है, तो पूरे ग्राउंड को अगर हम एटम मान लें तो ये बॉल जितनी जगह में सिर्फ क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, बाकी सारी की सारी जगह क्या होगी, खाली होगी। और सबसे पहले इस पॉजिटिव चार्ज के लिए उसने एक नाम भी दिया, जिस नाम को बोलते हैं हम प्रोटॉन। तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, तो आंसर आएगा रदरफोर्ड। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए किसका नाम आता है, जी जी थॉमसन। अभी तक भी एक पार्टिकल और बाकी है जिसकी डिस्कवरी इसी एटम के अंदर होनी है, अभी तक इसके बारे में पता नहीं था इन दो मॉडल से। पहले मॉडल से सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लग पाया, दूसरे रदरफोर्ड के मॉडल से हमको एक और पार्टिकल प्रोटॉन के बारे में पता लग पाया। अब जो अगला मॉडल आएगा उसमें हमको एक और पार्टिकल के बारे में पता चलेगा, जो कि होता है किसके अंदर, एटम के अंदर ही, और उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।